तो भैया आज तो ठोंक पीट के और बोल दो ठोंक बजा के एक ही बात बोलूंगा सीधा, क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में। आज लेके आए हुए हैं हम आपको भारतीय ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर शानदार कंपनी द्वारा इंडिया में रिसेंटली लॉन्च 60 हॉर्स पावर 4 सिलेंडर के साथ में आने वाले 250 न्यूटन मीटर, जी हाँ दोस्तों 250 न्यूटन मीटर की तगड़ी टॉर्क प्रोड्यूस करने वाले एक ऐसे दमदार पावरफुल ट्रैक्टर का फुल रिव्यू वीडियो, जो कि ऐसे वैसे नहीं बल्कि इंडिया के सबसे ज़्यादा जाने माने तगड़े पावरफुल किर्लोस्कर कंपनी के अपग्रेडेड इंजन के साथ में आता है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर का फुल रिव्यू करेंगे, उससे पहले करना तो पड़ेगा प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए हमेशा से लाते रहते हैं। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर में है ऐसा कुछ खास जो कि बना देता है भारतीय ट्रैक्टर का इतिहास, सीधी बात करेंगे। इस ट्रैक्टर में बहुत कुछ ऐसा है खास जो कि बनाता है इस ट्रैक्टर को सभी ट्रैक्टरों से एकदम खास। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट से ही। तो फ्रंट में कंपनी ने जो इस ट्रैक्टर में एक्सल लगाया हुआ है, फ्रंट में एक्सल जो लगाया हुआ है, ये एक्सल भैया इधर है, ऊपर तो बम्फर था, यहाँ पर जो एक्सल है एडजस्टेबल एक्सल मिलेगा, जिसको 8, 10 इंच, 12 इंच तक जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। सीधा वाला हैवी ड्यूटी नॉन एडजस्टेबल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनी फिटेड फ्रंट एक्सल मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात करें, यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको ट्रैक्टर में फ्रंट बम्फर दिया हुआ है 100 kg का, ये मिलेगा। ऑल ओवर फ्रंट बम्फर जो है आपको लगभग 200 kg का मिल जाता है, 2 क्विंटल का, मतलब किसी भी तरह के वेट को लेके चलने में ये जो ट्रैक्टर है चलता है एकदम शानदार परफॉर्मेंस के साथ में। यहाँ पर जो बैटरी कंपनी ने लगाई हुई है, इंडिया के एकदम ट्रस्टेड लीडिंग ब्रांड एक्साइड कंपनी के साथ में आने वाली 12 वोल्ट 100 AH की जो है कंपनी ने यहाँ पर भैया बैटरी लगा दी है। एक और शानदार फीचर्स की बात करें, अब इसको भैया बूस्टर नहीं बोल देना, इसको चालू करो वो धूम मचालू वाली फीलिंग नहीं आती इसको चालू करने से, ऐसा चल रही गाड़ी 100 की स्पीड में, इसको घुमाया सीधा धूम मचालू गाड़ी ने पकड़ ली भैया 200 km/h की स्पीड, ये वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर कंपनी ने लगा दिया है टोटल बैटरी कटअप सिस्टम, जब ये ऑन होता है तभी इस ट्रैक्टर का इंजन ऑन होगा, अन्यथा नहीं होगा। कभी इन फ्यूचर यदि करंट सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आती है, इसको ऑफ कर दो, टोटल करंट सप्लाई बंद, टोटल करंट सप्लाई ऑन ऑफ जो है इससे आप कर सकते हैं, इससे बैटरी की लाइफ इन्हेंस तो होगी। साथ में बरसात के दिनों में बच्चे जब बिना चाबी के या चाबी के साथ में ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पर लगे हैं भैया, यहाँ पर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के अंदर वो शानदार पंप जिसमें कंपनी ने लगाए हुए हैं ऑलमोस्ट 40 से 42 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑयल सप्लाई करने वाले डबल पंप, जिससे हाइड्रोलिक के अंदर मिलेगी एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस। अल्टीनेटर के अंदर बात करें, इंडिया के लीडिंग ब्रांड है ना, 12 वोल्ट 36 MPL के साथ में आने वाला अल्टीनेटर लगा हुआ है। सेल्फ स्टार्टर मोटर कंपनी ने भैया 12 वोल्ट 2 किलोवाट की लगाती है। साथ ही साथ यहाँ पर इंजन की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, मजबूती बेहतर ढंग से रहे, उसको लिए कंपनी ने लगा दिया हैवी ड्यूटी पट्टा, जो कि भारत में किसी भी ट्रैक्टर कंपनी में देखने के लिए नहीं मिलता। साथ ही साथ रेडिएटर के अंदर यदि हम बात करें तो एकदम बड़ा वाला ट्रक वाला रेडिएटर रख दिया भैया यहाँ पर, जिससे इस ट्रैक्टर का इंजन एकदम बेस्ट कूलेंट सिस्टम के साथ में परफॉर्म करता है। साथ ही यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने जो है यहाँ पर इस ट्रैक्टर का इंजन ऑयल फिल्टर लगाया हुआ है, इसके ऊपर सेंसर लगाया है, मतलब ऑयल के कूलेंट सिस्टम का भी कंपनी ने खास तौर से बतौर ध्यान रखा है। बॉस कंपनी के डबल डीजल फिल्टर मिलेंगे, वाटर सेपरेटर की पोजीशन मिलेगी, बॉस कंपनी का फ्यूल इन लाइन पंप मिलेगा। इस ट्रैक्टर में इंजन की बात करें 4160 cc का, हाथी नहीं घोड़े की पावर वाला, हाथी जैसी ताकत, घोड़े जैसी रफ्तार वाला जो है दमदार कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर में इंजन दिया हुआ है। इसमें जो है आपको 4160 cc का 60 हॉर्स पावर 4 सिलेंडर वाटर कूलेंट नेचुरली स्प्रेडेड इंजन मिलेगा, जो कि 250 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क जनरेट करके देगा। इतनी टॉर्क से तो भैया आप हवाई जहाज़ के इंजन को भी खींच दोगे, जितनी टॉर्क कंपनी ने इस ट्रैक्टर के इंजन में डाल के दी गई है। पावर स्टीयरिंग की बात करें, डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग, साथ ही साथ कंपनी ने लगा दिया स्टीयरिंग के अंदर सेफ रेड ऑयल बॉक्स, मतलब स्टीयरिंग की जो लाइफ है वो लॉन्ग तो रहेगी ही, साथ में जो स्मूथनेस है वो हमेशा लंबे समय तक बरकरार रहेगी। इस ट्रैक्टर के बोनेट को होल्ड करने के लिए लगा दिया कंपनी ने डबल साका फोल्डर बार, जिससे लाइफ जो है आपको लॉन्ग मिलेगी। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की बोनेट में लगा दिया कंपनी ने स्विच लॉक, मतलब अंदर के हर एक एलिमेंट्स पार्ट्स की भी जो है कंपनी ने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है।
तो दोस्तों ये है इंडिया का सबसे ज़्यादा लीडिंग ब्रांड, वर्तमान में किसानों की नंबर वन चॉइस बनता हुआ करतार का ग्लोब ट्रैक 5936। फ्रंट में करतार का डेलिकेटेड लुक मिलेगा आपको ट्रैक्टर में देखने के लिए। यहाँ पर जो है दोस्तों आज हम हैं उपलब्ध हैं जय किसान ट्रैक्टर एजेंसी सिहोरा जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर में, जहाँ पर करतार के आपको हर एक ट्रैक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर करतार की जो बैजिंग है 3D में देखने के लिए मिलती है, ग्लोब ट्रैक की बैजिंग मिल जाएगी, 55 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी जो है आपको ट्रैक्टर में मिलती है। यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर में फाइबर का टूल बॉक्स मिलने वाला है, कुछ भी स्टोर करके रख लो, हैवी ड्यूटी बेस्ट क्वालिटी के फाइबर मटेरियल से बने जो है हीट गार्ड कंपनी ना लगा के दिए हुए हैं। टायर साइज के अंदर बात करें MRF कंपनी का टायर मिलेगा, अगला टायर 750/16 का मिल जाएगा। मतलब कॉस्ट कटिंग की बात वाली जो फीलिंग है ना फीलिंग है ना है ऐसा कुछ, हर जगह लगाई है कंपनी ने A1 क्वालिटी की ब्रांडेड चीज़। पिछला टायर की बात करें MRF कंपनी का, यहाँ भी टायर मिलेगा और यहाँ का जो टायर है 16/28 का मिल जाएगा। फेंडर की साइड गाइड प्रोफाइल बेस्ट क्वालिटी के फाइबर की लगाई हुई है, मतलब खूबसूरती भी में 4 चांद लगा दिया है। इस ट्रैक्टर में इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की बात करें, इंजन के अंदर 265 और PDU के अंदर 30.5 किलोवाट का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन मिलेगा। फुट स्टेपर एकदम प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके दिया हुआ है, पैडल बिल्कुल सस्पेंडेड टाइप मिलेंगे, बिल्कुल वाली बात ही नहीं है, है भैया ऐसा ही तो मिलेंगे ही सस्पेंडेड टाइप पैडल। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टोटली मिलेगा एनालॉग, मतलब झंझट नहीं चाहिए किसी भी तरह की, है ना कि यार इस ट्रैक्टर में कभी ये फॉल्ट आ रहा है, कभी साला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ये बत्ती नहीं जल रही, वो बत्ती नहीं जल रही, टोटल लगा दिया एनालॉग। मतलब हर चीज़ की जो है कंपनी ने बहुत खास तौर से ध्यान रखा है। ड्राइवर के राइट तरफ बात कर लो, DC PC लीवर मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर जो है कंपनी ने लिफ्टोमेटिक ऑप्शन दिया हुआ है, सेपरेट नेट में सेट करके लिफ्ट को चलाओ। ड्राइवर के राइट तरफ मिलेगा लो हाई का गियर, साथ ही साथ यहाँ पर मिल जाएंगे आपको नंबर, और यहाँ पर आपको जो है 4 गियर दिए हुए हैं, मेन 4 गियर। ऑयल हिमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक जो है कंपनी ने ट्रैक्टर के अंदर दिए हुए हैं। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ बात करें, ब्रेकिंग लॉक का लीवर मिल जाएगा इस ट्रैक्टर में जो है, मल्टी गियर स्पीड के साथ में रिवर्स PDU मिल जाता है, है ना। यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर में सुपर सटल गियर मिलेगा, जिससे आप इस ट्रैक्टर में किसी भी गियर में आगे और किसी भी गियर में जो है पीछे जा सकते हैं, है ना। मतलब इसमें जो गियर है कंपनी ने करारों का डाल के दिया हुआ है। क्लच जो है आपको सिंगल क्लच मिलेगा ट्रांसमिशन के लिए, और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में PDU के लिए कंपनी ने सेपरेट क्लच लगा के दिया हुआ है। स्टार्ट कर देते हैं भैया, ट्रैक्टर का सुन लो साउंड, तमन्ना ना रह जाए किसी भी तरीके की, है ना। तो यहाँ पर लगा हुआ है बैटरी कटर सिस्टम, इसको कर दिया हमने ये ऑन। अब घुमाओ भैया इस ट्रैक्टर की चाबी, ये हो गया एकदम शेर की दहाड़ वाला। 2200 RPM तक इस ट्रैक्टर का इंजन वर्क करता है ना। इंजन कटर लीवर यहाँ पर मिलेगा। एक चीज़ PDU के लीवर की बात ही नहीं की, मतलब PDU का जो क्लच है कंपनी ने यहाँ पर डाल के दे दिया है ना। इसको इंगेज करो, डिसंगेज करो, PDU चलाओ। चलिए ले चलते हैं पीछे की तरफ, बात करेंगे और भी ज़्यादा फीचर्स की। सीट जो है कंपनी ने लगा दी इस ट्रैक्टर में भैया मल्टी एडजस्टेबल, पैडल दे दिए सस्पेंडेड टाइप। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में ना जो है स्पीड बताना भूल गया, 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स फुली साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ में करारों का ट्रांसमिशन कंपनी ने दिया हुआ है। साइड प्रोफाइल कंपनी ने बहुत ही अट्रैक्टिव लगाई हुई है। अब कर लेते हैं पीछे की तरफ बात, मतलब फीचर से कंपनी ने 1% का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया इस ट्रैक्टर के अंदर, हर ज़रूरत के फीचर्स डाल के दिए हैं। डबल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब लगे हुए हैं, MB प्लाउ चलाओ, रिवर्सिबल प्लाउ चलाओ, कुछ भी चलाओ, हर तरह के संयंत्र चलाने में सक्षम है। साथ ही साथ टापलिंग के अंदर 3 पॉइंट हैं जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में है। LED लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेफरेट सॉकेट बार, 2 लीटर तक का वाटर स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का सेफरेट लीवर जिससे आप डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब को कंट्रोल करने वाले हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर में PDU को लेके, तो 540 नॉर्मल 540E जैसे स्पेन जो है आपको इस ट्रैक्टर में PDU के ऑप्शन मिलेंगे, जिसके अंदर जो है आपको मल्टी गियर स्पीड के साथ में देखने के लिए मिलेगी। और ये जो ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर में PDU की बात करें तो लगभग 54 हॉर्स पावर की PDU पावर जो है आपको इस ट्रैक्टर में देखने के लिए मिलती है। और लिफ्ट कैपेसिटी जो है कंपनी ने आपको ट्रैक्टर में ऑलमोस्ट 2200 kg की बेहतर क्षमता वाली उपलब्ध करा के दी हुई है। और बैक में जो है भैया आपको मिल जाती है गोल वाली बैक हैलोजन लाइट, साथ ही बहुत शानदार क्वालिटी के कंपनी ने इंडिकेटर और ब्रेकिंग लाइट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है।
तो दोस्तों ये था करतार ग्लोब ट्रैक 5936-60 हॉर्स पावर के दमदार ट्रैक्टर का फुल रिव्यू वीडियो। वीडियो अच्छा लगा ही है तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।